प्राइस हैं डेफिनेटली वो भी बहुत ज़्यादा कम होंगे। अगर पाकिस्तान में बात करें तो इस अगर आईफोन 14 की बात करें तो उसके क्या रेट चल रहे हैं? यहाँ पे आईफोन 14 मेरे ख्याल में 13 प्रो कोई 3.5 लाख का चल रहा है और 14 मेरे ख्याल में होगा 450 तक आई गेस। अच्छा, मुझे ना इम्पोर्ट ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग मोस्ट ऑफ द पीपल वो जो है दे परचेज नॉन PTA फ़ोन, ठीक है, क्योंकि ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, हुकूमत ने लगाई हैं। अभी जो आपने प्राइस बताए हैं ये नॉन PTA या विद PTA? ये विद PTA रजिस्टर्ड फ़ोन। आपको आज़ादी मुबारक हो। देखिए, पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, एक पाक मुल्क है। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह सुने इस पाक मुल्क से मेरे जैसे नपाक को कहीं ना कनाडा वगैरह भेज दे, या अल्लाह सुने प्लीज़। मैं नपाक हूँ, पाकिस्तान तो पाक है ना, तो वो आप रहे ना आप, अल्लाह ताला पाक हमारे पाक लोग। आप पाकिस्तान में क्यों नहीं रहना चाहते? पाक है मुल्क हमारे जैसा डिजर्व ही नहीं करता, हम तो जाहिल लोग हैं। हानिया, कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हो आजकल? यार आजकल दो फ़ोन रखे हुए, एक तो आईफोन है और एक इस टाइम सैमसंग है, आईफोन चार्ज पे लगा हुआ है। कौन सा आईफोन है? यार अभी तो आईफोन हम लोगों ने बेचारों ने 13 प्रो मैक्स रखा हुआ है बस। कितने का मिला? यार वो तो काफ़ी देर पहले लिया था, मेरे ख्याल से 2 का लिया था। दो का? आप आईफोन 15 लेना चाहती हो? बिल्कुल, क्यों नहीं। आपको पता है आज आईफोन 15 लॉन्च हो रहा है जिसके ऊपर लिखा होगा मेड इन इंडिया। वाओ यार, एक तो आईफोन लॉन्च हो रहा है 15, ऊपर से उसके ऊपर मेड इन इंडिया का टैग भी आ रहा है। यस, ब्रिलियंट यार, इंडिया के लिए तो और बड़ी बिग न्यूज़ है यार। ये तो उनके लिए अप्रिशिएट की बात है कि एक तो हर एक चीज़ पे इंडिया का टैग आता है, उसके अलावा अब आईफोन जो आ रहा है उसके ऊपर भी मेड इन इंडिया ही होगा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो सब जानते हैं कि इंडिया जो है एक बहुत बड़ी मार्केट है, हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे है। और चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, अब उन्होंने कहा कि हम चंद्रयान 3 तो लॉन्च हो गया, अब उसको जूम करके देखने के लिए आप लोग 15 प्रो मैक्स भी ले ले, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने 15 प्रो मैक्स लॉन्च किया। यार वैसे मैंने अभी तक देखा नहीं, कोई पिक्चर वगैरह अभी तक कुछ भी नहीं है। अभी 10 बजे जो है उसका मतलब इवेंट होगा और लॉन्च कर दिया जाएगा आज उसको मार्केट में। वाओ यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे कितने का है? प्राइस अभी मुझे नहीं पता, मैं इसके अपने व्यूअर्स को बार बार कह रही हूँ कि जो लोग हमें देख रहे हैं हमें बताएं कि आईफोन 15 के इंडिया में क्या प्राइस है, ताकि हम उसे पाकिस्तान में कंपेयर करें, दुख करें और उसके बाद सोचें कि हमने आईफोन 15 लेना है या नहीं लेना। बिल्कुल यार, लेकिन आईफोन 15 जो है वो लेने की हर एक की हसरत और ख्वाहिश है। पाकिस्तानी तो कहते हैं कि आईफोन आना चाहिए और हम ले। यार एक आईफोन ना हाथ में एक जचता है आपके, एक ब्रांड है और क्लास है और वो एक इंडिया के साथ मैच होगी, है ना। इंडिया एक बहुत बड़ी क्लास एक ब्रांड है, इंडिया एक तो यार मार्केट है एक बहुत बड़ी, और जब वो इंडिया के साथ मिक्सअप हो जाएगा ना उसका, तो वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इंडिया में आईफोन के अलावा आप देख लें टेस्ला आ चुका है, हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर, हर बड़े से बड़ा ब्रांड आके इंडिया में आकर इन्वेस्ट कर रहा है, वहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, इससे बड़ी बात क्या होगी इंडिया की? कोई भी नहीं था ना, जिस तरह से आप बता रही ना 15 प्रो मैक्स जो है आईफोन वो भी उधर लॉन्च हो रहा है, तो ये तो सबसे अच्छी बात है। और दूसरा ये कि यार जितनी वो अचीवमेंट्स करते जा रहे हैं अपनी कंट्री में, बहुत अच्छी बात है, इंडिया के लिए अप्रिशिएट की बात है कि आप इतने अच्छे काम कर रहे हैं, दिन ब दिन और ज़्यादा आप तरक्की की साइड पर जा रहे हैं। हमारे पाकिस्तान को भी कुछ उन्हें देख कर कुछ होश के नाखून लेने चाहिए, मैं ये कहूँगी। और इंडिया के लिए जो लोग हैं नरेंद्र मोदी साहब के लिए स्पेशली, कि वो बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपनी आवाम के लिए, अपनी कौम के लिए और इंडिया के लिए स्पेशली, बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, इंडिया को आगे लेकर जा रहे हैं। जिस तरह से इतना दिल को ना खुशी मिलती है कि एक अच्छा हमारे हमसाए मुल्क को तो चलो एक अच्छा लीडर मिल गया ना जो उन्हें सपोर्ट कर रहा है। और यार जिस तरह से 15 प्रो मैक्स लॉन्च हो रहा है, जिस तरह से आज आपका सवाल है और आप प्रोग्राम लेकर आई हैं अपना, तो उस लिहाज से मैं ये कहूँगी कि यार हमें भी कभी ना कभी तो ये मौका मिले कि हम भी इंडिया जाएं और ऐसी तकरीबात में हम भी शरीक करें। यार पाकिस्तान में आईफोन के ऊपर टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, लाख सवा लाख का टैक्स ही है। आप जो मर्ज़ी आईफोन ले लें, वो चाहे 13 हो, 14 हो या 12 हो, आपको उसके ऊपर लाख से सवा लाख का टैक्स देना है, जो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए वो आईफोन भी अफोर्ड नहीं कर पाता। यार जिस तरह से पहले मैंने जब लिया था ना, तब इतना टैक्स नहीं था, और अगर आपने PTA प्रूफ भी करवाना हो ना तो उस पर भी तब ज़्यादा से ज़्यादा लाख लग जाता था। तो अब टैक्स को मिला के और साथ में अगर हमने PTA प्रूफ करवा के सिम बीच में ऑन करनी है, ये सब कुछ करना है ना, तो उस पर तो हमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। कि जिस तरह से 14 प्रो मैक्स आया था, कईयों ने 4 लाख का लिया, किसी ने कितने का लिया, तो इस तरह से वो सबको पड़ा, किसी को 6 में पड़ा, किसी को 7 में पड़ा, मेरे दोस्तों ने भी लिया ना वो,
तो किसी को 6 लाख में पड़ा है, किसी को 7 लाख में पड़ा है, और अब 15 प्रो मैक्स जो आ रहा है पाकिस्तान में, जब तक इन्होंने आना ना, मुझे तो लगता है 8-9 लाख का मिलेगा टैक्सेस डाल के, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे तो महंगी चीज़ें दी जाती हैं इंडिया की नस्बत। इंडिया तो यार उसकी क्या ही बात है, 83 रुपीज़ जिसका हो डॉलर, तो उसका क्या ही कमाल है। और पाकिस्तान में जहाँ पे हम 310 पे रुलते आ रहे हैं, हमारी करेंसी रेट कहाँ पे है? 320 हो गई है जी। ओए होए होए होए, और हद होती है, मैंने पिछले दिनों देखा था तो 310 था, अब आप बता दें 320 हो गया है, तो बहुत ज़्यादा यार शॉकिंग न्यूज़ है। अच्छा, अगर हम अपने मुल्क के ऊपर काम करना शुरू करें, मैन्युफैक्चरिंग अपने मुल्क में करना शुरू कर दें, तो हमारी आवाम को भी सस्ती चीज़ें मिल सकती हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम अपने मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, हमारे जितने भी प्लांट्स हैं यहाँ पर बंद हो चुके हैं, जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं वो बंद हो चुकी हैं, कारोबारी तबका तबाह हो गया है, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ यहाँ से बांग्लादेश शिफ्ट हो गए हैं, और यहाँ पर जो इन्वेस्टर है अब पाकिस्तान का अपना बिजनेस पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि उसको लग रहा है कि कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए। यार देखें, जिस तरह से पाकिस्तान में लोगों ने पहले इन्वेस्ट कर रहे थे, टोयोटा जो था वो भी पाकिस्तान के साथ काम कर रहा था, और भी काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज थी जो पाकिस्तान के साथ काम कर रही थी, लेकिन इस टाइम पाकिस्तान का जो हाल है ना, ये है कि पाकिस्तान के अपने जो इन्वेस्टर्स हैं वही पाकिस्तान को छोड़ के बाहर जा रहे हैं, कि पाकिस्तान में हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। और इंडिया को देखो यार, सुई तक निडल जिसको हम कहते हैं, आज हमारी जो माएँ हैं पुराने दौर में भी सुइयों के साथ सब कुछ सीती थी, वो भी उसके पर भी मेड इन इंडिया का टैग है, हमारे पाकिस्तान में तो उस पर भी मेड इन पाकिस्तान नहीं है, उस पर भी मेड इन चाइना मिलता है हमें, वो भी चाइना से आती है यहाँ पर और फिर हमें मिलती है, बिकता है। अफसोस की बात ये है ना कि हमें ट्रस्ट नहीं है अपनी बनाई हुई चीज़ों पे, हम खुद ट्रस्ट नहीं करते ना। हमने सुजुकी जो निकाला था वो भी हमारा कितनी देर चल सका, मेहरान वगैरह हमारी आएंगी सब कुछ, वो भी बंद हो गया, फिर हम लोगों ने बाहर से पार्ट्स लेकर आते थे, फिर पाकिस्तान में गाड़ियाँ बंद थी टैक्सीज की वजह से, और यहाँ पर लोग काम नहीं ज़्यादा अच्छा करते, इस वजह से सब कुछ वो भी बंद हो गया। और वैसे भी जितनी भी मार्केट्स थी उन सब में भी यही कहा जाता था कि पाकिस्तानी जो हैं वो लगन से और दिल से काम नहीं कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में काम करने का कोई फ़ायदा नहीं, हमें मुनाफा हो ही नहीं रहा, कोई घाटे पे घाटा ही हुई जा रहा है, तो घाटे का सौदा कौन करता है यार। जिस तरह से इंडिया वाले इतना काम कर रहे हैं अपने मुल्क में, अपने लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, पाकिस्तानियों को भी चाहिए, हमारे लीडर्स को चाहिए स्पेशली, कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं ना, उसी तरह से पाकिस्तानी भी काम करें, हमारे लीडर जो हैं वो भी उसी तरह से हमारे पाकिस्तान को लेकर चलें, और हमारे पाकिस्तान की भी एक लाइन होनी चाहिए कि हम इस ट्रैक पर हैं और हमें इस ट्रैक पर जाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साइम कैसे हैं? वेल, आई एम फाइन, परफेक्ट, आप बताएं। मैं भी ठीक साइम। आज मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देने वाली हूँ, यकीनन आपके लिए शॉकिंग न्यूज़ होगी। आपको पता है आज रात 10 बजे आईफोन 15 लॉन्च होने जा रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके ऊपर लिखा होगा मेड इन इंडिया। इन द पास्ट मैंने सुना था कि मतलब आईफोन और एप्पल वगैरह ना इंडिया में शिफ्ट होने जा रहे हैं, ठीक है, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वहाँ पे आती हैं, तो अगर देखा जाए चाइना भी बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, ताइवान में असेंबल होते हैं, तो मतलब इंडिया में भी ऐसा ऐसा आने लगे हैं 2000 के बाद, तो ये बहुत अच्छी बात है, और मेरे लिए तो शॉकिंग इसलिए है कि ये बहुत जल्दी काम हो गया, ठीक है, तो ऑब्वियसली इंडिया की जो लेबर है वो लगेगी, और इंडिया जो है दूसरे कंट्रीज़ को एशियन रीजन में ना वो एक्सपोर्ट कर पाएगा, तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। अच्छा, आईफोन के जो प्राइस हैं डेफिनेटली वो भी बहुत ज़्यादा कम होंगे, अगर पाकिस्तान में बात करें तो इस अगर आईफोन 14 की बात करें तो उसके क्या रेट चल रहे हैं? यहाँ पे आईफोन 14 मेरे ख्याल में 13 प्रो कोई 3.5 लाख का चल रहा है, और 14 मेरे ख्याल में होगा 450 तक, आई गेस। अच्छा, मुझे ना इम्पोर्ट ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग, मोस्ट ऑफ़ द पीपल, वो जो है दे परचेज नॉन PTA फ़ोन, ठीक है, क्योंकि ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, हुकूमत ने लगाई हैं। अभी जो आपने प्राइस बताए हैं ये नॉन PTA या विद PTA? ये विद PTA रजिस्टर्ड फ़ोन, ठीक है, और हुकूमत को ये लगा कि हमने जितने टैक्सेस लगाए हैं ना, तो उस वजह से लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे, तो हमने फ़ी इंस्टॉलमेंट में कर रही है। एक तो गुर्बत बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए फ़ी जो है ना PTA की वो इंस्टॉलमेंट में हो रही है आजकल। ये अच्छा, मुझे ये नहीं पता कि इंडिया में आईफोन के क्या प्राइस हैं, डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि वो लोग जो मुझे इंडिया से देख रहे हैं वो कमेंट में हमें ज़रूर मेंशन करें कि आईफोन 15 जो इंडिया में लॉन्च हो रहा है आज रात 10 बजे उसकी क्या कीमत है, ताकि हमको पता चल सके, और क्योंकि डेफिनेटली पाकिस्तान में भी आईफोन 15 आ ही जाएगा और उसके ऊपर लिखा होगा मेड इन इंडिया, तो लेट्स सी अब हमें आईफोन 15 कितने का मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी 14 की बात करें या 13 की बात करें तो 3 से 4 लाख में हमें ये फ़ोन पड़ रहा है। एग्जैक्टली अगर जैसे कि कल मैंने गोल्ड लीफ एक पैकेट की प्राइस चेक की, तो अगर इंडियन पैसों को पाकिस्तानी में कन्वर्ट करें तो वो 350 की बन रही है, और पाकिस्तान में गोल्ड लीफ का पैकेट 500 का मिल रहा है, तो देयर इज़ हेल्प बिग डिफरेंस बिटवीन प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है।
अच्छा, इंडिया में अगर चीज़ें सस्ती हैं तो उसकी मेजर रीज़न आपको क्या नज़र आती है? क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इंडिया हर चीज़ अपनी खुद बना रहा है और वो इम्पोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट पर ध्यान दे रहा है। अब देखें कि आईफोन जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया के अंदर हो रही है, तो डेफिनेटली इंडिया की आवाम को अब बड़ा सस्ते दामों आईफोन मिलेगा। इंडिया में वो मेड इन इंडिया वैसे ही प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तानी प्रोडक्ट देख के, नाम सुन के जो है ना, दिल को डर लगता है कि ये स्कैम होगा, फ्रॉड होगा। दराज पे आप देख लें कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का कितना वो नाम है और बाकी जो बाहर की होती हैं उसमें। अच्छा, मैंने मोस्टली ये भी सुना हुआ है कि पाकिस्तान में चीज़ें बन रही होती हैं और उनके ऊपर टैग चाइना का लगता है, इंडिया का लगता है, फिर हम जाके दुनिया को बेचते हैं। इवन दुनिया वाले मेड इन पाकिस्तान नहीं ख़रीदते। तो एक ये भी रीज़न है कि मेड इन इंडिया प्रमोट हो रहा है, उस वजह से जो लोकली मैन्युफैक्चर चीज़ें होती हैं उनका रेट कम होता है, अपने कंट्री को फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, क्या वजह है पाकिस्तान अपनी ही बनाई हुई चीज़ों पर ट्रस्ट क्यों नहीं करता? मेड इन पाकिस्तान पर हम ट्रस्ट नहीं करते लेकिन हम मेड इन चाइना ख़रीद लेंगे। मैंने फेस वॉश मंगाया था, क्रीम भेज दी, पता नहीं कौन से कलर की, ठीक है, ये तो इनका काम है, दराज से मंगाई थी। ट्रस्ट इशू है, दुनिया की ग्लोबल मार्केट पाकिस्तान की चीज़ों पर ट्रस्ट ही नहीं करती। अमेजोन पे हमने इतने फ्राड किए कि लाइक पीपल डोंट ट्रस्ट ऑन पाकिस्तानी पीपल, ठीक है, दुनिया डरती है हमारे नाम से। हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग देख लें कि जब हम लाइक अमेरिका में जाते हैं तो हमारे शाहिद खान अब्बासी के कपड़े तक उतरवा दिए गए थे। ये तो हमारा ट्रस्ट का लेवल है दुनिया में। ये और इंडिया ने मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट गेन कर लिया हुआ है। अब देखें, रिसेंटली G20 हुआ, नरेंद्र मोदी थे, जो बाइडन थे, MBS सऊदी अरेबिया के थे, ठीक है, तो इंडिया को कनेक्ट कर रहे हैं मिडल ईस्ट से, जैसे चाइनीज़ बेल्ट एंड रोड था, मतलब एशिया, अफ्रीका और यूरोप को कनेक्ट कर रहे हैं, इस तरह इंडिया को कनेक्ट करेंगे मिडल ईस्ट से फिर यूरोप में जाएगा माल सी रूट से, ठीक है। तो अब देखें कि इंडिया ने काफ़ी मतलब वो कर लिया, पाकिस्तान का हाल फिर हमें पता है। लेकिन बात ये है ना कि हम इंडिया से कुछ सीखते नहीं हैं, हम उस पर तनकीद कर देंगे, हमारे हुक्मरान जो है वो जेबें भर लेंगे, पाकिस्तान में कुछ हो जाएगा उसका मलबा इंडिया पर डाल देंगे, लेकिन हमने इंडिया से कुछ सीखना नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कि हम हमेशा इंडिया पर तनकीद क्यों करते हैं। पाकिस्तानी पब्लिक ने बहुत सीखा है, पाकिस्तानी पब्लिक को पता है कि हमें we are being by our government, ये पाकिस्तानी पीपल को पता है, आम जनता को, ठीक है। मगर जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, जिनके पास रियल अथॉरिटी एंड पावर है, वो लोग अपना इंटरेस्ट प्रेफर करते हैं, ठीक है। जैसे कि स्मगलिंग हो रही है, अब देखें चीनी वीट फ्लोर वगैरह जो अफगानिस्तान में स्मगल हो रहा था, वहाँ पे आर्मी ने भी ISI इज़ इन्वॉल्व इन मोस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग स्मगलिंग, ठीक है। आपको हाजी सलीम का पता होगा, वार लॉर्ड, ड्रग लॉर्ड है बहुत बड़ा अफगानिस्तान का, उसमें भी एक ISI इन्वॉल्व होती है। तो ये जो स्मगलिंग है इससे आर्मी को बहुत पैसा बचता है, ईरान से हम जो है डीजल पेट्रोल वगैरह स्मगल करते हैं, तो ये जिन लोगों का स्टेक है वो इस चीज़ को बचा रहे हैं। उसका असर क्या हो रहा है, रियल जो कमोडिटीज़ हैं, जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं, वो पाकिस्तान से शार्टेज हो रही है, चीनी, आटा वगैरह आम जनता को महंगी मिल रही है। और अब कहा जा रहा है कि शुगर क्राइसिस भी अनकरी पाकिस्तान में आने वाले। ऑब्वियसली वी आर एग्रीकल्चर कंट्रीज, बट द बेसिक कमोडिटीज आर लैकिंग इन पाकिस्तान, ड्यू टू शार्टेज द प्राइसेज आर बूमिंग अप एंड गोइंग अप, दैट्स द रियल सिचुएशन इन पाकिस्तान। हम इंडिया के साथ अपनी ट्रेड क्यों बहाल नहीं कर लेते? दैट्स इगोइज्म। हम जब 70 साल पहले हमने मुल्क बनाया था, हमने उन्हें कहा था कि हे इंडिया, यू आर देर विल बी बैड गवर्नेंस एंड मुस्लिम राइट्स जो हैं एक्सप्लाइट होंगे, तो वी आर गोना मेक आवर ओन कंट्री एंड हम तुमको दिखाएंगे कि हमारी कितनी फ्लोरिश स्टेट होगी और हम दुनिया को दिखाएंगे कि हमारी कितनी एक आइडियल स्टेट होगी, मगर हम फ्लॉप हो गए 70 साल बाद। तो वो ईगोइज़म है कि हम तुमसे क्यों परचेज़ करें, हम तुम्हारी तारीफ़ क्यों करें, ठीक है। बेशक बाइडन इमरान खान को फ़ोन वो नहीं कर रहे थे, नरेंद्र मोदी को वो उठा बुलाते हैं, मगर फिर भी हम उनकी मानेंगे नहीं, ईगोइज़म है। नरेंद्र मोदी के मुल्क के अंदर आज जो बाइडन बैठे हुए हैं। यस, अच्छा जो बाइडन इंडिया में जी, G20 का जो सबमिट हुआ है ना, जो बाइडन इंडिया आए हुए हैं। ओह माय गॉड, और हमारे इमरान खान की वो कॉल अटेंड नहीं कर रहे थे, ये फ़र्क देखें, ठीक है। मगर रियलिस्टिक कोई नहीं है यहाँ पे, झूठी अनाब में रहेंगे, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, तुम्हारे पास है क्या वर्ल्ड मार्केट में, तुम्हारा क्या वो है शेयर है, तुम क्या बनाते हो दुनिया को, तुम क्या मैन्युफैक्चरिंग करके देते हो, मगर फिर भी वी आर द बेस्ट आर्मी और वी आर द बेस्ट, इल्यूजन में रह रहे हैं, फेक इल्यूजन में। और ये कब ख़त्म होगा, या डिफ़ॉल्ट होगा या टूटेगा। ऑब्वियसली दुनिया की जियोग्राफी और 100 साल बाद चेंज होती है, ठीक है। ऑटोमन एम्पायर थी, टूटी, डिफरेंट कंट्रीज़ बने, सोवियत यूनियन था, टूटा, उससे ईस्टर्न जो है ना कंट्रीज़ बने, बरे सगीर था, टूटा। कौन कहता है 100 साल तक पाकिस्तान कायम और दायम रहेगा, कोई हदीस लिखी हुई है नहीं। अगर दुनिया की हिस्ट्री देखें, जियोग्राफी चेंज होती है, तो बस आगे मैं कुछ नहीं कहता, वरना ब्लैक फिगो आ जाए।